So hey everyone, this is Agri Poorman friend, and today we're gonna talk about animal husbandry, its revision practice and PYQ. तो ये फेज वाइज मैनर में हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 महीने ही बचे हुए हैं. तो अभी से अगर आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे अच्छे से, तब जाके आपका मेंस में अच्छा मार्क्स रहेगा, ना कि 11-12 दिन पहले उठा लेने से. एवरेज मार्क्स इंटरव्यू तक जा सकते हैं, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे फाइनली. तो प्री और मेंस का साथ साथ में लेके चलना ही पड़ेगा आप लोग को. तो जो पहले जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो वो लोग ये फॉलो कर सकते हैं, और जो सेकंड या थर्ड, वो तो जानते ही उनको क्या करना है. तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग को ज़्यादा इधर उधर लिविल लिविल नहीं करना, फोकस करके चलना है. और कहाँ क्या फोकस करना है वो आपको PYQ से ही पता चलेगा, है ना. तो बढ़ते हैं आगे. तो देखिए, ये क्वेश्चंस आए थे IBPS AFO में. ये आपको क्या शो करता है कि आपको एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा सेक्टर फोकस करके हुए चलना है. तो मेरा जो पर्पस है ये वीडियो बनाने का, यही है कि आप एटलीस्ट वो पॉइंट, वो एरिया पॉइंट ऑफ कर, मतलब पॉइंट कर लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. एटलीस्ट वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर होनी ही चाहिए, और फिर एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो बस यही इम्पोर्टेंट रहता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. तो AFO ये सुंडा में दिया हुआ है. देन असील इज ब्रीड ऑफ सुंडा में दिया है. मिल्क फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज, नहीं दिया ये पैरेसिस करके. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन शिप ब्रीड इज़ नोन फॉर द प्रोड्यूसिंग सुपीरियर क्वालिटी कारपेट. ठीक है, आंसर आप देख लीजिए. फिर हॉर्नलेस ब्रीड ऑफ शिप किसे कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनस बफेलो हैज़ हाई कंटेंट ऑफ बटर मिल्क फैट. तो बटर मिल्क फैट किस में ज़्यादा होता है. अच्छा देखिए, यहाँ पे अभी नाम, मतलब ऐसे फैक्चुअल चीज़ अभी है, कौन सा है, 2015-16 के पेपर में ऐसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते बाद में, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई. हैंड रिक्वायर्ड हाउ मच स्क्वायर SFT एज़ पर द वर्ल्ड नॉर्म्स. ठीक है, फिर डुअल पर्पज़ ब्रीड ऑफ काउ इन इंडिया, हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट इन बफेलो ब्रीड. तो बढ़ा हुआ फैट, हाइएस्ट फैट सुंडा में दे रखा है. फीड इज गिवन टू द न्यू बॉर्न काफ कितना होता है, व्हाट इज डेली वेट गेन और वेल फेड क्रॉस ब्रेड काफ का. इन मुर्रा बफेलो व्हाट इज द एज ऑफ द एट फर्स्ट काविंग कितना होना चाहिए. विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर द रानी गेज. ठीक है, तो IVRI. विच इंस्टीट्यूट फॉर्मुलेटेड वैक्सीन ऑन रिंडर पेस्ट, IVRI. तो थोड़ा इसका डिस्कशन कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं. तो इसमें देखिए, आपको जैसे ये दिख रहा है SFT वाला, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 146. तो 146 जैसे ब्रॉयलर वाला है, तो उसमें आप देखेंगे कि फ्लोर स्पेस 1 चाहिए रहता है, और वाटर का लिए 4 SFT, मतलब ये स्क्वायर पर फीट, और जो फीड स्पेस है 6 चाहिए रहता है. तो ये पानी का हो गया, ये रहने के लिए हो गया, और वाटर के लिए 4, और फीड खाने के लिए 6. ठीक है, तो 146. देन था एक बार नबाड़ी में क्वेश्चन आया था सुपीरियर की जगह फाइन करके, तो फाइन क्वालिटी कारपेट वूल आंसर चुकला ही था. ठीक है, तो ये वीडियो आप बीच बीच में पॉज करके देख लेना, जो स्लाइड है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. वहीं अगर काफिंग, जो ये जैसा क्वेश्चन आया फर्स्ट काफिंग, तो और इसकी इंफॉर्मेशन डिटेल में हम लोग बात करें, तो जैसे साहिवाल और सिंधी, तो जो साहिवाल है उसकी सबसे लीस्ट काऊ में लीस्ट फर्स्ट काविंग पीरियड होता है, दैट इज 37 मंथ.
देन सिंधी का जो इंटर काविंग पीरियड है वो लीस्ट होता है, दैट इज़ 425 से 540 डेज, ये अराउंड आपका बैठ जाएगा 14 से 17 महीने। तो इसको तो ऐसे याद रखना, 425 से 540 डेज, और इसको मंथ में 37 मंथ लीस्ट काविंग पीरियड होता है साहिवाल का। वहीं अगर नॉर्मली बात किया जाए तो जो आपका एग्जॉटिक ब्रीड होता है, जैसे पहले बफेलो को देख लेते हैं, तो बफेलो के नॉर्मली आपको इस रेंज में मिलेगा, 45 से 50 के रेंज में। तो 45 से 50 के रेंज में आपको मिलेगा। और जो क्रॉस ब्रीड है उसका आपका मिलेगा, क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड का आपका मिल जाएगा अपना इसमें 30 मंथ में, और लोकल काऊ का आपका मिलेगा 42 मंथ। ये मैं अप्रोक्सीमेशन का आपको बता रहा हूँ कि अगर ना आ रहा हो तो ऐसे तुक्का लगा सकते हैं। फिर फर्स्ट काविंग फॉर एग्जॉटिक जो होता है उसका अपना 24 मंथ, ठीक। तो ये चीज़ें थी, और बफेलो का मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट काविंग जो उसका होता है अधिकतर 45 से 50, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था हैंड क्वाड हाउ मच 2017 में, फिर 2018 में वही क्वेश्चन ब्रॉयलर का पूछा। तो नॉर्मली हम लोग जो भी देखते हैं ना, ये जितना भी कि 146, तो ये जो भी एन वन का रहता है ये अपन ब्रॉयलर के ही उसमें देखते हैं। तो वन आ गया, व्हाट इज़ द फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रेग्नेंट काउ, तो 100 से 120। विच इंस्टीट्यूट डेवलप द करन फ्राइज ब्रीड, एनडीआर आई ने, फिर ऐसे ही सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, मतलब किस ईयर में इस्टेब्लिश है। तो ये तो वैसे मुश्किल था। हाइएस्ट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन विच मैन्योर, हाइएस्ट SNF, विच पोल्ट्री ब्रीड इज हैज़ अ हाइएस्ट वेट, फिर नंबर ऑफ पोल्ट्री बैच दैट कैन बी रियर्ड, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड गोट बॉक्स रानीखेत IVRI, जो भी वैक्सीन IVRI, फिर मेटिंग शिप को क्या बोलते हैं। फिर पूछा गया था कि विच यूज फॉर द फीडिंग लैम काफ एंड पिगलेट बट नॉट यूज फॉर एडल्ट इज नोन एज, वो प्लेस का नाम बताना था, लेट डाउन ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन दिया हुआ, ये भी सुनना में। विच अमंग द फॉलोइंग कैटल ब्रीड इंडिजीनियस ड्रॉट पर्पज़ के लिए, वेल काउज आर पुअर यील्डर, खिल्लारी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को डाउट आ सकता है फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट काउ, तो ये दरअसल नॉर्मली जो कवर्ड वाला है उसके लिए पूछा है। तो कवर्ड में आप 110 याद रखिएगा, और अगर यही ओपन पूछ ले तो 190 याद रखना, जिससे आंसर अब आएगा तो 180 से 200 के बीच में, तो 190 बीच वाली वैल्यू, ऐसे कवर्ड के लिए 110 याद रखना। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट बैक्टीरियल डिजीज, वैक्सीन रानीखेत के लिए, हाइएस्ट लैक्टेशन लेंथ, फिर ये आप स्लाइड पॉज करके देख लीजिए, व्हाट इज़ एवरेज गेस्टेशन पीरियड, येलो कलर, यंग फीमेल को क्या बोलते हैं, FMD वैक्सीन कितने इंटरवल पे लगाई जाती है, सोडियम डिफिशेंसी काऊ में, फीड FCR रेशियो। अगर FCR रेशियो आपको नहीं पता तो बता दूँ मैं, FCR फीड कन्वर्जन रेशियो होता है, ये होता है कि KG ऑफ जो फीड है वो कंज्यूम डिवाइडेड बाय KG ऑफ वेट दैट इज़ गेन, ठीक है। तो KG में है पहली बात, तो ग्राम में नहीं है,
और फीड कितना उसने कंज्यूम किया और कितना उससे गेन हुआ। ठीक, तो ये FCR बोलते हैं। तो ये FCR, और एक होता है फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है 1 की 1 kg के लिए। तो एफिशिएंसी 1 kg के लिए दोनों में देखते हैं। ठीक है, फिर होता है एक होता है कि FER, FER फीड एफिशिएंसी रेशियो। ठीक, तो ये होता है kg गेंड डिवाइडेड बाय kg कंज्यूम्ड। दिस इज नेक्स्ट स्लाइड, आप लोग पॉज करके देख लीजिए। मेटिंग वाइडर डिग्री रिलेशन, ये देखिए जो आया ना क्वेश्चन, लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रिस क्रॉस, ये सब जो आप आर के जो शर्मा वाली बुक है, नहीं सॉरी आर के शर्मा नहीं, जो ऑब्जेक्टिव वाली कांतवा की बुक है, उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। फिर टाइप ऑफ एमल्शन सुंडा में दिया हुआ है। तो सुंडा से बेसिकली देखिए, सुंडा में आपको हर चीज़ तो नहीं मिलेगी, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन ये है जो सुंडा में चीज़ मिलेगी वो आपको एक मेन एग्ज़ाम में गलत नहीं करना, एटलीस्ट उतना तो आप सही करके आइए। क्योंकि मैंने अपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट है ना, मैं 11 या 12 दिन मुश्किल से पहले पढ़ता था, लेकिन फिर क्या होता है कि उसमें सुंडा वाली जो चीज़ पढ़ के गए वो भी अगर गलत आप कर दे रहे हो, एक एवरेज मार्क्स इंटरव्यू के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए मेरा इस बार था 33 या 34th ऐसा कुछ, ये एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सुंडा वाली चीज़ अगर वही जो आपने 3 या 4 क्वेश्चन बचकाने वाले जो गलत कर दिए क्योंकि सुंडा में थे, तो ये आपको मेजर डिफरेंस पैदा कर देगा सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यू में भले आपको कितना जैसे कि मिल जाता है जितने में से ना, तो आपको वो बहुत अच्छा मिल जाए इंटरव्यू में भैया, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए फेरोइंग सो में, फेरोइंग इस बार ये नबार्ड में पूछा गया था। ये भी जूनोसिस क्या होता है, फिर सुरती वाला घी से रिलेटेड क्वेश्चन था, होमोजेनाइजेशन से रिलेटेड था, 1.5 kg जो प्रेगनेंसी के दौरान कितना दिया जाता है फूड वूड, फिर आइसोलेशन वैक्सीनेशन ब्लड टेस्टिंग कलिंग इफेक्ट, ये सब एक ऐसे क्वेश्चन था। फिर लैक्टोमीटर और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेस्टराइजेशन इन मिल्क टेस्ट एंड आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पेस्टराइजेशन। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें कि वो आपको शुरुआत में नहीं मिलेगा। ठीक है, शुरुआत में जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने गए तो एक ऐसे कुछ अनोखे अनोखे क्वेश्चंस आ गए, वो आपको किसी कोचिंग वोचिंग मटेरियल में शुरुआत में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए वो हर कोचिंग मटेरियल आपको मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ों से भी बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लाइड पर। तो ये है, आप पॉज करके देख लीजिए, मैं इस वीडियो की लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता जल्दी, तो इसलिए पॉज करके आप लोग देख लीजिए। जैसे क्रिस क्रॉस ये वाला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कांतो वाले बुक में, कृष्णा वैली सानेन बीटल लैप्सिंग ऑफ यूट्रस वेजाइना बैटरी केज से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट स्लाइड, ये इसमें डेयरी फार्मिंग आइसोलेशन 1.5 kg एल्कलाइन टेस्ट। ठीक, फिर आर बार पी एस ओ के क्वेश्चन सही है। कंटिन्यूएशन में दूसरी स्लाइड है ये, फिर नेक्स्ट स्लाइड कड़कनाथ कोलोस्ट्रम इन सबसे क्वेश्चन आए थे। स्टेट 9 बॉडी वेट कितना गेन हो जाता है न्यू 1/10, ये सब देखो कॉमन क्वेश्चन है, सब आपको देखने को मिल जाएंगे कई एग्जाम में। गोदावरी RRB ऐसा में पूछा गया था। नेक्स्ट स्लाइड, डुअल पर्पस क्ले निमादी ब्रॉयलर बक कमर्शियल पोल्ट्री। ठीक, तो ये इतना ही था। तो अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपको पहले
पहला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन उठते हैं ज़्यादा। एटलीस्ट वो पोर्शन आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जिससे कि उसमें से गलती ना हो। जैसे कि टेबलर फॉर्म में जो जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि टपिंग, ये सब जो चीज़ें, कवरिंग किसे कहते हैं, टपिंग किसे कहते हैं, और जो कीवर्ड्स हैं कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए। काफ कब बोलते हैं, और ब्रॉयलर, ग्रोवर, लेयर, ये सब कब बोलते हैं। फिर जो आपका डेज वाली चीज़ें हो गई, गेस्टेशन पीरियड, ये सब, तो ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एटलीस्ट इस पे गलती ना करिए। और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मटेरियल्स आपको ग्रुप पे दे ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।